हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कल हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, सेल ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म या सेल ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस टू अ लिमिटेड कंपनी। यानी जब हम लोग अपने पार्टनरशिप फर्म को, अपने फर्म के बिजनेस को किसी कंपनी को सेल कर देते हैं तो क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग करना होगा, परचेज कंसिडरेशन कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये सीखा। करीब 6-7 अकाउंट हम लोग को फर्म के बुक में ओपन करने होंगे। जनरल एंट्री पार्टनरशिप फर्म के अंदर, जनरल एंट्रीज न्यू कंपनी यानी लिमिटेड कंपनी के अंदर भी हम लोगों ने सीखा था। सारे अकाउंट का फॉर्मेट हम लोगों ने सीखा। जब फर्म सेल किया जाएगा किसी कंपनी को तो परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हम लोगों ने सीखा था। और आज हम लोग एक फुल क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें कि जनरल एंट्री और सारे अकाउंट्स हम लोग ओपन करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। आइए देखिए, शानदार सा क्वेश्चन है आपके सामने, बैलेंस शीट ऑफ रमा समा एंड क्षमा। रमा समा और क्षमा का कंपनी है, इसमें क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है और तीनों का कैपिटल है। बैंक बैलेंस है, सन्डी डेटर्स है, डेटर्स से रिजर्व लेस करके 38,000 है। स्टॉक इन ट्रेड है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और गुडविल है। गुडविल को भी हम लोग कॉमन एसेट्स ही ट्रीट करेंगे इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में। आगे देखिए, इट वॉज डिसाइडेड टू सेल द बिजनेस ऑफ द फर्म बाय रामा समा एंड क्षमा टू राम एंड श्याम लिमिटेड। तो ये अपना बिजनेस किसको सेल करेंगे, एक कंपनी है, कंपनी का नाम है राम एंड श्याम कंपनी लिमिटेड, इसी को सेल कर दिया जाएगा, अपना फर्म के सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। कंपनी अग्रीइंग टू अलॉट 12,000 फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। कहता है कि कंपनी ने जो है 12,000 शेयर 10-10 रुपया वाला अलॉट किया परचेज कंसिडरेशन का फुल अमाउंट को सेटल करने के लिए। 12,000 × 10 1,20,000 में जो है फर्म ने अपना सारा एसेट्स और लायबिलिटी सेल कर दिया है। आगे भी देखते हैं, द कंपनी एक्सेप्टेड द लायबिलिटी एक्सेप्ट बिल्स पेबल। कंपनी ने जो है, यानी न्यू कंपनी राम एंड श्याम कंपनी जो लिमिटेड है, उसने बिल्स पेबल को छोड़ करके बाकी सारे लायबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। दो ही लायबिलिटी है, बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल को छोड़ दिया, यानी सिर्फ एक लायबिलिटी को एक्सेप्ट किया है न्यू कंपनी ने, वो है क्रेडिटर्स को। इसका मतलब कि बिल्स पेबल अगर कंपनी ने नहीं लिया है तो बिल्स पेबल को हम लोग पे करेंगे, यानी पार्टनरशिप फर्म पे करेगी। आगे देखिए, टूक ओवर ऑल द एसेट्स, लेकिन सारे एसेट्स को ले लिया गया है, एक्सेप्टिंग बैंक बैलेंस। एक्सेप्टिंग मतलब छोड़कर, बैंक बैलेंस को छोड़कर सारे एसेट्स ले लिए गए हैं। पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6, ये इनका रेशियो है। ड्रॉ अप द नेसेसरी अकाउंट शोइंग द फाइनल सेटलमेंट रिगार्ड्स द पार्टनर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म। फर्म के बुक में हम लोग को सारा काम करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले तो सारे एसेट्स को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट पहले जैसा बनाएंगे, डेबिट साइड में टू सन्ड्री एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन कैश बैंक को हम लोग पहले भी ट्रांसफ़र नहीं करते थे डिसोल्यूशन 1 में या डिसोल्यूशन 2 में, अभी भी नहीं करेंगे। इसके अलावा सारे एसेट्स ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और गुडविल, डेटर्स का नेट अमाउंट हम लोग लेते हैं 38,000, 44,000, 33 और 9,000, इसका हम लोग टोटल कर लेंगे। ये हो जाएगा 1,24,000। लायबिलिटी साइड में बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, फिर है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। $34,000, 2,400, 36,000, 400। तो एसेट ट्रांसफर हो गया, लायबिलिटी ट्रांसफर हो गया। न्यू कंपनी ने जो है सारा एसेट्स लिया है बैंक को छोड़ करके, तो सारा एसेट्स हम लोगों ने लिखा है, बैंक को हम लोगों ने शो भी नहीं किया है। सारे लायबिलिटी को लिया है बिल्स पेबल को छोड़ करके, तो बिल्स पेबल का पेमेंट इसका मतलब हम लोग को खुद पे करना पड़ेगा, तो हम लोग पे करेंगे बिल्स पेबल को। देखिए, टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको बिल्स पेबल, जो बुक वैल्यू है उतना ही में पेमेंट करना पड़ेगा 2400। फिर क्रेडिट साइड में बाय न्यू कंपनी, न्यू कंपनी का नाम इस क्वेश्चन में है राम एंड श्याम लिमिटेड, बाय राम एंड श्याम लिमिटेड अकाउंट 1,20,000 में डील डन हुआ है, तो 1,20,000 हम लोग अमाउंट लिख देंगे। शेयर्स के फॉर्म में जो मिलेगा वो हम लोग आगे चल करके बात करेंगे, इतना है। चलो जी, अब हम लोग टोटल कर लेंगे। कोई भी रिलेशन एक्सपेंसेस वगैरह तो कहीं कुछ है ही नहीं। 1,20,000 1,56,400 1,56,400, तो इधर भी हो जाएगा आपका 1,56,400। तो फिर आपका बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा डेबिट में। बैलेंस को हम लोग लिखेंगे, बैलेंस जो आएगा वो प्रॉफिट है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स हैं, रमा, समा एंड क्षमा। इनका जो रेशियो है 1/2, 1/3 एंड 1/6 ऐसा ही है, 1/2, 3 एंड 6। इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इनका प्रॉफिट हो जाएगा 15,000, 10,000 और 5,000, ये रहा। इसके बाद अब हम लोग को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सीक्वेंस वैसा ही रखेंगे जैसा आप लोग पहले बनाते थे। चलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे। ओपनिंग बैलेंस है इनका 40, 40, 20, इसके बाद बैलेंस शीट से कोई भी और आइटम ट्रांसफ़र करने लायक नहीं है, तो फिर रियलाइजेशन अकाउंट में जो प्रॉफिट आया है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये तो काम पहले ही जैसा कर रहे हैं, नया कुछ भी नहीं है यहाँ पर। प्रॉफिट टोटल 55,000, 50,000 और 25,000। $55,000, 50,000 और 25,000। चलो जी, इतना करने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, जो शेयर्स 1,20,000 का हम लोगों को मिला है, वो 1,20,000 का जो शेयर है वो हम लोग को तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो फाइनल क्लेम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए, फाइनल क्लेम रेशियो, फाइनल क्लेम रेशियो क्या होता है, क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल। तो क्रेडिट साइड का टोटल तो है 55,000, 50,000 और 25,000, लेकिन डेबिट में कुछ है ही नहीं, तो यही हो जाएगा आपका फाइनल अमाउंट 11, 10 एंड 5, यानी 11/26 ऐड कर देंगे 11 और 10 21, 5 26, 11 बाई 26, 10 बाई 26, 5 बाई 26। तो 1,20,000 का जो शेयर है ये 11 बाई 26 करेंगे, फिर दूसरे पार्टनर का 120 में 10 बाई 26 देना है, तीसरे पार्टनर को 120 में 5 बाई 26 देना है, और ये अमाउंट हो जाएगा 50,770, 46,150, 23,080। तो इतना इतना शेयर जो है हम लोग इन तीनों पार्टनर्स को दे देंगे। 2 shares in राम एंड श्याम लिमिटेड अकाउंट 50,770, 46,150 और 23,080। चलो जी, अब आप देखिए हो गया। इसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर आपका जो कैश है, कैश दे करके हम लोग पेमेंट कर देंगे इनको। तो टू बैंक अकाउंट होगा, बैंक से पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट। 55,000 इसको मिलना चाहिए। 50,000 का 770 का हम लोगों ने सेल्स दे दिया है। 4,230 रुपया कैश देना होगा इसको। 3,850 हम लोग दूसरे पार्टनर को कैश दे देंगे और 1,920 रुपया कैश दे देंगे क्षमा तीसरे पार्टनर को, तो बात बन जाएगा। चलो जी, अब शेयर्स अकाउंट बनाएंगे। ये है शेयर्स इन राम एंड श्याम कंपनी अकाउंट। तो शेयर्स मतलब जो हम लोग को आया है वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जनरल एंट्री अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, पहले जब हम लोग शेयर्स रिसीव करते हैं तो उस शेयर को जब रिसीव करते हैं तो शेयर्स को डेबिट कर लेते हैं और करते हैं 2, तो डेबिट साइड में आ जाएगा आपका 2 राम एंड श्याम लिमिटेड कंपनी अकाउंट 1,20,000। ठीक है, दूसरा एंट्री करते हैं हम लोग। ये शेयर्स जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम लोग को एंट्री डालते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 shares, ये सब जो है शेयर्स 2 shares इन राम एंड श्याम कंपनी अकाउंट। तो राम एंड श्याम कंपनी क्रेडिट, तो शेयर्स इन राम एंड श्याम क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल, यानी बाय एक एक करके सारे पार्टनर्स का नाम, बाय रामाज कैपिटल अकाउंट, बाय समा, बाय क्षमाज। 50,770, 46,150 और इसको मिलने वाला है 23,080। 1,20,000 का शेयर का सेटलमेंट हो गया। चलो जी, इसके बाद फाइनली हम लोग बनाते हैं बैंक अकाउंट। फटाफट से देखो जी, सबसे पहले तो बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है टू बैलेंस बीडी 12,400 का बैलेंस है। इतना ही बैलेंस है ना जी? हाँ, इतना ही है। टू बैलेंस बीडी बैलेंस इतना ही है। इसके बाद हम लोगों ने बिल्स पेबल का पेमेंट किया है, तो फिर बाय रियलाइजेशन अकाउंट से कैश ट्रांसफर होकर के आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट बिल्स पेबल 2,400 का पेमेंट किया है। इसके बाद तीनों पार्टनर्स को जो हम लोगों ने पेमेंट किया है कैपिटल अकाउंट में, वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के आ जाएगा, तो बाय रमा कैपिटल अकाउंट, बाय समाज कैपिटल अकाउंट, बाय क्षमा चलो 12,400। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट से तीनों ही ट्रांसफर हो जाएगा अमाउंट, ये तीनों ट्रांसफर हो जाएगा अमाउंट आपका 4,230 4,230 3,850 और 1,920, ये आपका बैंक अकाउंट भी बनकर तैयार है। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग अब कर लेते हैं जर्नल एंट्री। ठीक है, चलो थोड़ा सा जगह बना लेते हैं हम लोग। चलो जी, फटाफट से जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चलो फर्स्ट पहला एंट्री हम लोग करते हैं सारे एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करने का। एसेट्स डेबिट आइटम होते हैं और रियलाइजेशन में जब ट्रांसफ़र करेंगे तो सारे एसेट्स हो जाएंगे क्रेडिट और डेबिट करना होगा रियलाइजेशन को। तो फिर आप फॉर्मेट बना लेना प्लीज़, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू सन्ड्री एसेट्स। एसेट्स में है आपका डेटर स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी टू डेटर्स स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी टू फर्नीचर एंड गुडविल 3844। अच्छा, इसको डेटर्स का फुल अमाउंट ले लेते हैं 40,000 44 30,000 9,000 टोटल 1,26,000। इसके बाद हम लोग सारे लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं। लायबिलिटीज़ क्रेडिट आइटम होता है, जब रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे तो सारे लायबिलिटीज़ डेबिट हो जाएंगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे हम लोग। तो फिर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट है आपका, अच्छा ये प्रोविज़न फॉर बैड डेट जो है डेटर्स का हम लोगों ने फुल अमाउंट लिया है तो क्रेडिटर्स सॉरी डेटर्स का जो प्रोविज़न है उसको भी डालना पड़ेगा, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। चलो क्रेडिटर्स का अमाउंट है आपका 34,000 2,400 2,000 34 35 36 2 38 38 400। चलो जी, इसके बाद जो अमाउंट हम लोगों को ड्यू होगा न्यू कंपनी से, जो अमाउंट हम लोग को मिलने वाला है उसका यानी परचेज कंसीडरेशन का हम लोग ड्यू एंट्री पास करेंगे। तो अभी तो हम लोग को पैसा लेना है न्यू कंपनी से यानी राम एंड श्याम कंपनी से, तो उसको अभी फ़िलहाल अभी हम लोग डेबिट कर देंगे, अभी तो पैसा मिल ही नहीं रहा है। तो राम एंड श्याम लिमिटेड कंपनी अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी आपने देखा रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया था 1,20,000 में हमारा डील फाइनल हुआ है, यही है आपका परचेज प्राइस, इसको डाल लेंगे हम लोग। इसके बाद जब ये अमाउंट हम लोग को रिसीव होगा तो उसका भी एक एंट्री करना होगा। शेयर के फॉर्म में रिसीव होगा। शेयर्स इन राम एंड श्याम लिमिटेड कंपनी अकाउंट टू राम एंड श्याम लिमिटेड कंपनी अकाउंट 1,20,000 का शेयर हम लोग को रिसीव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट बना करके हम लोगों ने प्रॉफिट आया है देख लिया है, उस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू तीनों का कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करेंगे या कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन करेंगे। तो सीधी सी बात है कि जब भी कोई भी प्रॉफिटेबल आइटम या अमाउंट जब हम लोग किसी पार्टनर्स को देते हैं तो उसे कैपिटल में डालते हैं। कैपिटल बाय नेचर क्रेडिट आइटम होता है और कैपिटल में कुछ भी डालेंगे तो कैपिटल बढ़ना चाहिए, तो कैपिटल और क्रेडिट होना चाहिए। तो कैपिटल को क्रेडिट करना होगा अगर प्रॉफिट दे रहे हैं आप तो बचा एक आपका रियलाइजेशन ही डेबिट होगा। 30,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और तीनों पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 1/2, 1/3, 1/6। तो ये हो गया आपका 15, 10 एंड 5,000। इसके बाद आपका जो एक बिल्स पेबल का हम लोगों ने जो पेमेंट किया था उसका एंट्री छूट रहा है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि बिल्स पेबल को हम लोगों ने जब रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया है तो वो रियलाइजेशन हो गया उसका नाम। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,400 रुपया जो हम लोग बिल्स पेबल का पेमेंट करेंगे। अब जो शेयर्स हम लोगों ने तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया था उसका एंट्री हम लोगों ने कर लिया है, शायद नहीं किया है। चलो, तो शेयर्स जो हम लोग को रिसीव हुआ है जी वो शेयर ट्रांसफ़र कर देंगे हम लोग। तो फिर रमास कैपिटल अकाउंट डेबिट समा और क्षमा टू शेयर्स इन राम एंड श्याम्स लिमिटेड कंपनी अकाउंट। शेयर्स हम लोगों ने दिया है 50,770 रुपये का, 46,150 का और ये शायद 23,080 रुपये का है। सही है, 1,20,000 का टोटल शेयर्स का सेटलमेंट हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद फाइनली एक एंट्री बचा है जिसमें कि हम लोग कैश का सेटलमेंट कर देंगे। तो उसके लिए रमास कैपिटल अकाउंट डेबिट समास कैपिटल अकाउंट डेबिट क्षमा और टू बैंक अकाउंट। फाइनल सेटलमेंट हम लोगों ने जो किया था ये अमाउंट वो डाल देना है 4,230। सॉरी, अमाउंट तो इतना ही था जी, 4,230, 3,850 और 1,920, 10,000 रुपया का सेटलमेंट आपका हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो है अकाउंट भी हम लोगों ने बना लिया और जनरल एंट्री भी कर लिया, सारा कुछ आपके सामने है। चलो जी, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं क्यूआर कोड जनरेट कर देता हूँ। इसको आप गूगल स्कैनर से स्कैन कर लें तो पीडीएफ के फॉर्म में ये आपके मोबाइल या लैपटॉप में जहाँ आप देख रहे हैं ये आ जाएगा, तो आपको ज़्यादा विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी। चलो, तो आज हम लोगों ने सेल ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म टू अ लिमिटेड कंपनी का एक फुल क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, सारा अकाउंट बनाया, जनरल एंट्री हम लोगों ने किया और एक दो क्लास लगेंगे फिर ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा, फिर हम लोग कोई दूसरा चैप्टर करेंगे। आज का क्लास ये क्वेश्चन आपको कितना समझ में आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप लेक्चर चाहते हैं या किस सब्जेक्ट का, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर प्रोवाइड कराने के लिए। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।